बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां विधानसभा में हंगामा हो रहा है। प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर विधानसभा पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। ऑक्सीजन मास्क पहनकर ये पहुंचे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सरकार का विरोध करने के लिए बीजेपी के विधायकों ने, एमएलएज ने ये तरीका अपनाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वो विधानसभा पहुंचे हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाकर वो पहुंचे हैं, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली में हवा कितनी जहरीली हो चुकी है, दिल्ली में प्रदूषण जो है वो कितना बढ़ चुका है। आमतौर पर हम देखते हैं कि सर्दियों के समय में खासतौर पर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बढ़ जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ में है, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, हाथों में बैनर पोस्टर है। दिल्ली विधानसभा में विरोध अपना दर्ज करवाते हुए बीजेपी के ये विधायक हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया अपनी सीट पर बैठे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। हाउस कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे। माननीय सदस्य अपनी कुर्सी पर बैठे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बीजेपी नेता इसे लेकर क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित करवा दिया है। WHO ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली बहुत प्रदूषित हो गई है, दिल्ली रहने के लायक नहीं रही है, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, लाखों लोगों को खांसी है, गला खराब हो गया है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है 3 दिन पहले, उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि दिल्ली शहर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में DTC के लिए एक बस नहीं खरीद पाई, 15,000 बसें खरीदने की बात कही थी। दिल्ली में जो डीजल और पेट्रोल के जो वाहन चल रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, वो सबसे ज्यादा दिल्ली को प्रदूषित कर रही हैं। कि आज पूरी दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त है और लोगों की सांसें अब इस सरकार के पास गिरवी रखी हैं। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मेरा खुद आवाज देखिए आप, गला मेरा पिछले 15-20 दिन से मैं इसी तरह इस पॉल्यूशन के कारण बीमार हूँ। और पिछले 8 साल में दिल्ली के पॉल्यूशन में सरकार ने क्या काम किया? आज दिल्ली के बाहर से लोग दिल्ली में आते हुए डरते हैं। दिल्ली के का मतलब पर्याय बन गया है प्रदूषण। जिस तरह का प्रदूषण लगातार एक दिन नहीं, लगातार आप देख रहे हैं पॉल्यूशन की स्थिति क्या है दिल्ली की। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए पिछले 8 साल में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन ना यमुना का प्रदूषण दूर हुआ, ना हमारी सांसों का प्रदूषण दूर हुआ, और दिन प्रतिदिन दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप लोग क्यों हट पे अड़े हैं जब विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं तो कैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला, आप लोग सिलेंडर के साथ कैसे अंदर आ गए? आप अंदर जाएंगे, वो बाहर करेंगे। मैं तो इतना ही जानना चाहता हूँ कि सरकार इस पर जवाब दे। सिलेंडर अंदर ले जाना नहीं ले जाना ये कोई बड़ा विषय नहीं है, तो जाएंगे आप अंदर? ये मात्र एक सिंबॉलिक है, सरकार को जगाने का एक तरीका है, सरकार से जवाब मांगने का तरीका है। क्योंकि अपने प्रचंड बहुमत से ये पार्टी, ये सरकार, ये आम आदमी पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाती है, और इसलिए हमें इस प्रकार के तमाम प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारी मजबूरी है कि हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की बात सदन में प्रभावी ढंग से उठाएं और सरकार को कटघरे में खड़ा करें और सरकार जवाब दे। लेकिन सरकार जवाब देने से बचती है, कतराती।
तो दिल्ली विधानसभा से ये तस्वीरें जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क के साथ बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं, दिल्ली सरकार का विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात पर कि दिल्ली जो है वो प्रदूषण का पर्याय बन चुकी है। दिल्ली में सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, पूरे 12 महीने जो प्रदूषण का स्तर है वो खतरनाक स्तर पर रहता है। ऐसे में दिल्ली वालों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की सरकार को ये बीजेपी के जो विधायक हैं वो ठहरा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।